की तरफ फेसिंग है, ऑब्जेक्ट मुझे आगे की तरफ मूव करना है, तो x नेगेटिव हो जाएगा एट द रेट -1, 0, 0, तो ये आगे की तरफ मूव। तो जिस भी फेस को आप सिलेक्ट करोगे वो देखना पड़ेगा कि वो फेस कौन सी एक्सिस के परपेंडिकुलर है, उसी के अकॉर्डिंगली आप उसके अंदर फिर वैल्यू प्रोवाइड करोगे। तो ये इसमें ऑप्शन है मूव फेसेस। ऐसे इसमें कॉपी फेस आता है, मूव में तो वही वाला फेस उठ के मूव हो गया था, कॉपी में उसकी कॉपी क्रिएट हो जाएगी। तरीका सेम यही रहेगा, कॉपी फेसेस, फेस को सेलेक्ट किया, एंटर, बेस पॉइंट लिया और अगेन जैसे ऊपर की तरफ कॉपी करना था तो एक वैल्यू दे दी, तो इसकी कॉपी हो गई। अब ये जो फेस कॉपी होके आया है ये एक अलग से 2D प्रोफाइल बन गया एंड इसके ऊपर आप कोई भी ऑप्शन अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि सपोज मुझे इसको रिवॉल्व करना था तो मैंने कमांड लिया रिवॉल्व, इसको सेलेक्ट किया एंटर और एक एक्सिस प्रोवाइड की, एंगल दे दिया, देखिए रिवॉल्व हो गया। अब मैंने मूव करके सपोज इसको यहाँ से उठाया और इसके यहाँ पे रख दिया एंड फाइनली इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को यूनिट। तो जो फेस कॉपी होके आता है वो एक अलग से 2D प्रोफाइल बन जाता है, उसको आप कैसे भी यूज कर सकते हो, आप उसको एक्सट्रूड कर लो, आप उसको पाथ के अलोंग एक्सट्रूड कर लो, आप उसको रिवॉल्व कर लो, वो बेसिकली एक 2D प्रोफाइल है, ठीक है। तो ये इसमें ऑप्शन है कॉपी फेसेस की, जिससे आप किसी भी फेस की कॉपी क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट इसमें ऑप्शन करेंगे हम डिलीट फेसेस, नोट कर लीजिए डिलीट फेसेस। अगर जैसे आप डिलीट लेते हो, डिलीट फेसेस लेकर अगर आप ऐसे किसी भी फेस को, नॉर्मल फेस को सेलेक्ट करते हो तो उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपने फेस सेलेक्ट किया, एंटर किया, कुछ भी नहीं हुआ। डिलीट फेसेस का यूज हम तब कर सकते हैं जब हमने किसी भी एज के ऊपर फिलेट या चैम्फर अप्लाई किया। जैसे मैंने आपको फिलेट चैम्फर बताया था लास्ट टाइम, जैसे हमने इसके ऊपर फिलेट कर दिया, राउंड हो गया, या फिर मैंने चैम्फर अप्लाई कर दिया तो ये टेपर हो गया, ठीक है। अब मुझे इसको वापस वैसे लेना है जैसे ये ऑलरेडी था, ऑप्शन ली डिलीट, इसको सेलेक्ट किया, देखिए वापस वैसे आ गया। फिर से मैंने लिया डिलीट, इसको सेलेक्ट किया एंटर, तो ये वापस हो गया। कई ये जो ऑलरेडी टेपर्ड फेसेस है ना, ये इनको भी चैम्फर्ड ही मानेगा और ये भी डिलीट, मतलब ऐसे जैसे हम रिजल्ट आया ये वैसे इसकी एज निकल कर आ चुकी है। तो ये सिर्फ फिलेट और चैम्फर एजेस के ऊपर अप्लाई होता है। तो नोट कर लीजिए डिलीट्स द फेस ऑफ अ 3D सॉलिड, डिलीट्स द फेस ऑफ अ 3D सॉलिड इंक्लूडिंग फिलेट्स एंड चैम्फर्स। नेक्स्ट इसमें आ जाता है कलर फेसेस, इससे आप किसी भी फेस को कलर कर सकते हो। अलग अलग फेसेस के बीच में डिफरेंशिएट करने के लिए हम उनको अलग अलग कलर्स प्रोवाइड करते हैं। तो हमने कलर फेसेस लिया, मैंने फेस को सेलेक्ट किया एंटर, ये कलर बॉक्स खुल गया। आप यहाँ से जाकर सेम वैसे ही इंडेक्स कलर में से कोई कलर ले सकते हो, ट्रू कलर में से जाकर आप किसी कलर का शेड पिक कर सकते हो। सचिन एक बार उनको आने देना, चेयर है, चेयर ले लो फिर आप, सचिन इधर यहाँ। तो इंडेक्स कलर में से आप कोई कलर ले सकते हो, ट्रू कलर में से ले सकते हो, या कलर बुक में से जाकर किसी कलर का शेड पिक करके ओके करो तो उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। यहाँ से जाकर आपको इसको रियलिस्टिक या कंसेप्शन में देखना पड़ेगा तो आपको इसका रिजल्ट शो करेगा। तो हमने यहाँ से ले लिया कलर फेसेस, फेस को सेलेक्ट किया एंटर, कलर चूज करो, ओके कर दो तो उस पर कलर अप्लाई हो जाएगा। तो अलग अलग फेसेस के बीच में डिफरेंशिएट करने के लिए हम अलग अलग कलर्स प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन नोट करिए रोटेट फेसेस। Rotates the face of a 3D solid,
रोटेट्स द फेस ऑफ अ 3D सॉलिड अराउंड अ स्पेसिफाइड एक्सिस. Around a specified axis. मैंने optionally rotate faces. Face को select किया, enter. एक axis provide करी और एक angle दे दिया, तो ये पूरा rotate हो जाएगा, घूम जाएगा उस axis के along. जितना ज्यादा आप angle provide करेंगे उतना ज्यादा ये rotate होगा. अभी मैंने इसको जो दो पॉइंट्स प्रोवाइड किए थे वो हमने दिए थे एंटी क्लॉकवाइज. अगर मैं इसको क्लॉकवाइज दो पॉइंट्स प्रोवाइड करती हूँ तो ये ऑपोजिट होगा रिजल्ट. और अगर मैं वर्टिकली दो पॉइंट्स प्रोवाइड करती हूँ तो ये ऐसे की तरह रोटेट. तो इसमें हम एक एक्सिस प्रोवाइड करते हैं और एक एंगल देते हैं तो वो फेस रोटेट हो जाता. नेक्स्ट इसमें ऑप्शन आती है टेपर फेसेस की. हमने एक कमांड किया था स्लाइस, ठीक है. स्लाइस में क्या होता था, जैसे हम स्लाइस लेते थे, इसकी कटिंग करते थे हम थ्री पॉइंट्स लेके, तो ये टेपर में कट तो हो जाता था, लेकिन इसमें आज सच आपसे कोई एंगल तो पूछा नहीं इसने कि अगर आप इसे किसी एंगल पे टेपर बनाना चाहते हो तो उसके लिए फिर हमारे पास ऑप्शन आ जाती है टेपर फेसेस की, जिससे आप किसी भी फेस को एक एंगल पे टेपर बना सकते हैं. तो नोट कर लीजिए टेपर फेसेस टेपर्स द फेस ऑफ अ 3D सॉलिड टेपर्स द फेस ऑफ अ 3D सॉलिड एट अ स्पेसिफाइड एंगल.